देवरानी की शादी। रमा बहन फितरत से लालची और मक्कार। दो बेटे थे लेकिन दोनों के बीच दो आंखें थी रमा बहन की। कारण थी बड़े की कमाई और छोटे की बुरी किस्मत। माँ जी खाना लगा दिया है, खाना खा लीजिए ना, क्योंकि फिर मुझे इनके लिए कपड़े लेने बाजार जाना है। कल ये ऑफिस के काम से अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पहनने के लिए सर्दी के कपड़े लेने होंगे ना। क्या कहा, राम अमेरिका जा रहा है? इतनी बड़ी बात उसने मुझे नहीं बताई, क्यों? अरे माँ अभी अभी तो फोन आया है, मीटिंग में अभी उन्हें का नाम आया, तो कल की टिकट भी हो गई और उन्होंने कहा भी कि माँ को जरूर बता देना। अरे वाह भाभी, क्या किस्मत है भैया की, आज दिल्ली कल अमेरिका। अरे चुप कर मनहूस, कहीं टोक ना लगा देना मेरे बेटे को। जरा अपने पति को भी बोल कुछ काम धंधा करे, सारा दिन न जाने क्या क्या करता रहता है घर में बैठकर। अब अच्छा छोटी तैयार हो जा, साथ चलेंगे बाजार। और हाँ तो वो साड़ी भी ले लेना जिसकी चूड़िया लेनी थी ना तुझे। छोटी जिसका मूड सास की बात से दुखी था, अब जिठानी की बात से खुश हो जाता है। वो चहक उठती है, हाँ हाँ भाभी मैं अभी ले आती हूँ। वो वहां से चली जाती है। अरे क्यों सर चढ़ा रखा है इसे, करते क्या है ये लोग घर के लिए, सिर्फ मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़ रहे हैं। माँ अब छोटी को ऐसा मत कहना, उसकी क्या गलती है, झूठ बोलकर आपने उसकी शादी करवाई, वरना सुंदर और बड़े घर की बेटी थी, क्या उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से ना हो जाती? अरे क्या झूठ बोला, बस यही ना कि लड़का कोई नशा नहीं करता और लाखों की नौकरी है। कोई बात नहीं, लड़का दिखने में तो सुंदर ही है ना, वही तो देखा इन लोगों ने भी। खैर देवरानी और जिठानी दोनों बाजार जाती है, जहाँ देवरानी बार बार साड़ी के पल्लू से अपनी बाजू का दाग छुपाने की कोशिश करती है। अरे क्या छुपा रही हो छोटी, दिखाओ मुझे। नहीं नहीं दीदी कुछ नहीं, वो दरवाजे से चोट लग गई थी ना तो लाल पड़ गया है। नहीं नहीं ये दाग दरवाजे का नहीं है। देवर जी ने फिर पिटाई की ना तेरी। देवरानी रोने लगती है। दीदी क्या गलती थी मेरी, मैंने क्या गलत किया, कहा नशा मत करो तो मारने लगे, अरे कुछ पैसे मांगो तो मारने लगते हैं। दीदी क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझे। बड़ी बहू अब खुद को मुजरिम समझने लगती है। वो छोटी से क्या कहती, क्या छोटी मानती कि उसे तो ये सारी बात पता भी नहीं थी, शादी में बड़ी का दखल ना के बराबर रखा था सास ने। छोटी तेरी उम्र कम है, ऊपर से कोई बच्चा भी नहीं, देवर जी के साथ 2 साल हो गए हैं तुझे, तू दूसरी शादी कर ले। छोटी रोने लगती है। नहीं दीदी मैं प्यार करती हूँ उनसे, वो जैसे भी है मेरे पति हैं, मैं ठीक हूँ, बस ये ठीक हो जाए। बड़ी बहू छोटी का पूरा ख्याल रखती, लेकिन एक दिन तो हद हो जाती है, कर्जा मांगने वाला घर पर चला आता है। पुलकित का घर यही है? हाँ हाँ छोटा बेटा है मेरा, बताओ क्या बात है। ए बुढ़िया तेरे बेटे ने नशा करने के लिए 1 लाख लिए थे मुझसे, वो पैसे दे दे वरना मैं पूरा घर तोड़ दूंगा, बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं यहाँ का। अरे ऐसा कैसे 1 लाख लेने आ गए हो, मेरा बेटा नशा करता ही नहीं है। तभी छोटा बेटा आ जाता है, वो कर्जा लेने आए लोगों को देखकर डर जाता है। अरे कल्लू भाई आप, मैं आपके पास ही आने वाला था। बेटा तू इसे जानता है? तभी वहाँ छोटी भी आ जाती है। तू अंदर जा बहू, ये घर की बात है। माँ उसे हक है सब जानने का कि उसका पति क्या क्या करता है। भाभी आप ज्यादा बीच में मत पड़ो, 4 पैसे भैया क्या कमाते हैं, आप कुछ ज्यादा ही नाक घुसेड़ने लगी हो, ये मेरा कर्जा है मैं निपटा दूंगा। अरे ये फैमिली ड्रामा मेरे जाने के बाद में करना, मेरे पैसे दो फिर खेलना ये कहानी घर घर की। माँ ये कंगन जो तूने पहने है ना दे दे इसे, वैसे भी मेरे ससुराल वालों ने तो दिए थे तुझे। अरे नहीं नहीं मैं कुछ नहीं दूंगी, क्यों दे दूं? अरे माना तेरे ससुराल वालों ने दिए पर तुझे पालने में मैंने कम खर्च किया है क्या, अरे कितना खाता था तू, ना ना मैं नहीं दूंगी। देख अब तुझे कितना मारता हूँ मैं, तब अपने आप तेरे घर वाले पैसा देंगे। गुंडा हाथ उठाता है, छोटी बहू कहती है। नहीं नहीं मत मारिए इन्हें प्लीज, ये ले लीजिए इससे आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। छोटी अपने गले से सोन की चेन उतार कर गुंडे को दे देती है।
गुंडा चेन लेकर चला जाता है। हाँ, अब ज्यादा देवी बनने की कोशिश मत करना, और ये जो सोने की चूड़िया पहनी है ना, उतार दे इसे भी। आज का इंतजाम भी तो करना होगा। नहीं नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं नहीं दूंगी इसे। दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें पति पत्नी को एक धक्का देता है, वो गिर जाती है और उसके सर पर चोट आ जाती है। अब ठीक है, बहुत जबान चल रही थी इसकी, अब शांत हो जाएगी। अरे माँ चली गई तो आखिरी निशानी रख कर क्या करेगी, कितनी लालची लड़की है, पति को कंगन भी नहीं दे सकती। अरे सारा श्रृंगार पति से ही तो है। माँ जी, आप माँ होकर नहीं उतार सकी ना अपने गहने, वो बीवी है। भाभी, आपको पहले भी शांत रहने को कहा था, आपकी तो शिकायत मैं भाई से करूँगा। और हाँ, ये छोटी को भी अपने साथ रखिए, मेरे कमरे में मत आने दीजिएगा, मैं इसे तलाक देने वाला हूँ। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा मत बोलिए। अगले दिन बड़ी भाभी का भाई बहन से मिलने आता है। दीदी, जीजू अमेरिका गया है, आप चलो ना मेरे साथ घर, माँ ने भेजा है आपको लेने के लिए। छोटी की तरफ बड़ी देखती है और कहती है, छोटी तू भी चल, पैक कर ले अपना सामान। दोनों बहुएं तैयार होकर निकल रही ही होती है कि सास कहती है, अरे घर का काम कौन करेगा, दोनों चली जाएगी तो। अरे छोटी, तू कहाँ तैयार होकर निकल रही है, चल घर का काम कर। नौकरानी कहीं की, कोई काम तो है नहीं तेरे पास। छोटी सामान लेकर अंदर जाने के लिए मुड़ती है कि छोटी का पति एक औरत के साथ आ जाता है। माँ जाने दे इसे, वैसे भी मैं इस लीली से प्यार करता हूँ और शादी भी कर ली है, तलाक देना है तो दे, नहीं तो अदालत के चक्कर काटे। चलो लीली। ये देखकर छोटी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, वो रोने लगती है। भाई कहता है, तभी बड़ी बहू, तुम जानते नहीं हो भैया, बिना पहली बीवी को तलाक दिए दूसरी शादी करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अब तो तुम्हें जेल हो जाएगी। नहीं नहीं ठीक है ना, इसे लीली के साथ ही रहने दो भाई, छोटी जैसी लड़की वैसे भी देवर जी जैसे लड़की को डिजर्व नहीं करती है, मैं इसकी शादी अपने भाई से करवाऊंगी। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप। मुझे रिश्ता मंजूर है दीदी, वैसे भी पति गलत होने का मतलब ये नहीं कि औरत अपनी जिंदगी घुट घुट कर गुजार दे। अरे वाह वाह वाह, क्या ड्रामा चल रहा है ये। हाँ माँ जी, किसी लड़की की झूठ बोलकर शादी करवाने में आपने मुझे भी जिम्मेदार बना दिया, छोटी जैसी भाभी पाकर मैं तो खुश हूँ, अब तो आप निपटिए ये लीली से। का ड्रामा, एक घर की दो बहुएं, लेकिन दोनों का ही कितना अलग व्यवहार है और क्यों, चलिए देखते हैं। कोई भी घर आ जाए, मीना बहू किसी को खाना खिलाए बिना भेजती नहीं। अरे तो इसमें मैं क्या करूं माँ जी, हर वक्त सुनाती रहती है, इतना क्यों बोलती हैं आप। अरे बहू, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि लोग मीना बहू की खूब तारीफ करते हैं कि वो सबका बहुत ख्याल रखती है। तभी मीना हाथ में कपड़े लेकर आ जाती है। ये लो रश्मि, तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं, और माँ जी ये आपकी फ्रूट्स, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करना है। हाँ हाँ जाओ जाओ मीना, कोई बात नहीं। अच्छा रश्मि, रीटा बुआ आ रही है कल अपनी बहू के साथ, पता होगा ना, तो वो जो तुम नाश्ता बनाती हो ना आलू का, वो बना लेना, ठीक है। हाँ बना दूंगी, लेकिन खाना भी खाएंगी क्या। मीना कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से बाजार के लिए निकल जाती है। तब सास कहती है, बुआ सास है, घर में उसका भी बराबर का हिस्सा है जहाँ रह रही हो तुम, समझी। वो तो अलग बात है कि बुआ ने हिस्सा लिया नहीं, अपने घर आ रही है तो रुकेगी ना, खाना खाएगी कि नहीं इसकी फिक्र ना करो। सास गुस्से से बोल रही होती है कि रश्मि भी चिल्लाने लगती है। बोलने का, साफ साफ बोल रहे हैं माँ जी, पागल मत समझना मुझे कि जो मन में आए बोलते चले जाओ और रश्मि जवाब भी नहीं देगी। अरे नहीं नहीं, तेरी माँ ने तुझे। अभी सास बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि रश्मि चिल्ला उठती है, माँ तक ना जाए आप, माँ को बीच में लाएंगी तो समझ लीजिए। दोनों सास बहु जोर जोर से लड़ रही थी कि घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू घर आती है तो बाहर भीड़ देखकर डर जाती है। क्या हो गया हमारे घर में, माँ जी ठीक तो है ना। वो घर के अंदर आती है और देखती है कि दोनों सास बहू जोर जोर से लड़ रही है। रश्मि कैसे बात कर रही हो माँ जी से, और माँ जी अब चिल्ला क्यों रही हैं।
अरे अच्छा हुआ तू आ गई। इसे बोल दे इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। भाभी इस बुढ़िया को समझा दो, घर इसका है तो मेरा भी है, हिस्सा दे दे मुझे। मीना सास को लेकर अंदर चली जाती है। माँ जी आप तो बड़ी है, आप तो शांत हो जाइए। हाँ हाँ मैं बड़ी हूँ तो क्या वो छोटी है, उसे शांत नहीं हो जाना चाहिए था क्या? माँ देखिए वो छोटी है। देख मीना कल मेरी ननद आकर चली जाए फिर निपटती हूँ मैं इससे। मीना रश्मि के पास जाती है। देखो रश्मि माँ जी बड़ी हैं, तुम उनसे माफी मांग लो। माफी मांगेगी मेरी जूती, समझी? और जाओ यहाँ से, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत समझदार हैं, समझी? क्या करती मीना चली जाती है। अगले दिन घर में बुआ सास अपनी बहू के साथ आती हैं। अरे भाभी क्या बात है, दो दो बहुओं का सुख ले रही हैं आप तो। सुख सिर्फ बहू ही नहीं देती, सास की भी जिम्मेदारी होती है, क्यों शैली भाभी? पास में बैठी होती है शैली, बुआ सास की बहू। बुआ सास चिल्ला उठती है। अरे पागल हो गई है क्या, वो बदतमीज है तो क्या तू भी बदतमीज है? तभी मीना आ जाती है, सभी के पैर छूती है और बुआ सास को पानी देती है। क्या बात है बुआ जी, आप तो काफी दिन बाद आई हैं, माइकी की याद नहीं आती क्या? अरे नहीं नहीं बहू, याद तो आती है लेकिन क्या करे, जिम्मेदारी जो है, अब इन बहुओं में इतनी ताकत तो है नहीं कि सारी गृहस्थी संभाल ले, तो कम से कम हम लोग मायके का सुख तो ले। शैली जो अब तक शांत थी वो अब शांत नहीं रहती। कैसी बात कर रही है मम्मी जी, है ही क्या गृहस्थी में करने के लिए, जो आप नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। हाँ हाँ कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, ये जो शादी करके आई हो और पूरा घर बसा बसाया मिल गया है ना, ये तो चुड़ैल ने डंडा फेरा है जो पूरा मैदान घर हरा भरा हो गया। अच्छा ऐसा क्यों, मुझे तो लगा मेरी सास ने एक एक चीज जोड़ी है। सास सर पर हाथ रख लेती है। अब मैं खाना लगाती हूँ, आइए। देखो मैं साफ साफ बोल रही हूँ, काम वाम नहीं होता मुझसे, जब देखो कभी बुआ आ रही है कभी चाची आ रही है, अरे घर ना हुआ धर्मशाला हो गया, आ जाते हैं मुंह उठाकर, ऊपर से ताने तो ऐसे दे रही हैं जैसे हमें यही पाल पोस कर बड़ा किया हो इन्होंने। अब क्या था, बहू की बात पर बुआ का गुस्सा हाई हो जाता है। अरे चल उठ यहाँ से, इस घर में आने वालों की ना कद्र है ना लोगों को बोलने का तरीका है। अरे अरे बुआ जी रुकिए तो, रश्मि क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बात कर रही हो, तुमसे तो कुछ करने को नहीं कहा है, फिर क्यों मुंह बना रही हो बुआ को देखकर? लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद बुआ कहाँ रुकने वाली थी, वो निकल जाती है घर कभी वापस ना आने की धमकी देकर। बुआ के जाने के बाद सास रश्मि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। खिड़की से रश्मि चिल्लाती है, ए बुढ़िया बहुत गलत कर रही हो समझी, जेल की हवा ना खाई तो बताना। सास जो इतने गुस्से में होती है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ हाँ जाऊंगी, जेल भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन तेरे जैसी बहू को घर के अंदर नहीं लूंगी। हाँ सारा तमाशा चल रहा होता है कि छोटी बहू का पति घर आता है। रश्मि उसे देखकर रोने लगती है। तुम्हारी माँ को पता नहीं क्या हुआ, अरे क्या समझती है खुद को, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। चलो चलो घर के अंदर, माँ दरवाजा खोलो। माँ माँ दरवाजा खोल दीजिए ना, देखिए देवर जी भी आ गए हैं, उन्हीं से बात करिए, वो समझाएंगे रश्मि को। जो करना है करो, लेकिन इन दोनों को घर से बाहर कर दो, इन लोगों के कारण मेरे घर में रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है। मीना दरवाजा खोलती है। भाभी कब से चल रहा है ये ड्रामा, और ये क्या हरकत है माँ, मेरे आने का इंतजार तो करती। देख रवि मेरे मुंह मत लगना बीवी के लिए, अब मैं इस घर में इसे किसी हालत में नहीं रख सकती। ओए होए बुढ़िया तुझे तो कोर्ट में खींच कर ले जाऊंगी मैं। बड़ी आई घर में नहीं रख सकती, हम लोगों के पैसे पर तो खाना खा रही हो, और ऊपर से। और ये क्या, रश्मि कुछ बोलने को मुंह खोलती कि उसका पति उसे जोर का तमाचा मारता है। क्या बोल रही हो तुम, पहले मेरी बुआ की बेइज्जती, अब माँ को पैसे की धौंस,
अरे जिस पैसे पर उछल रही हो वो कमाने लायक उन्होंने ही तो मुझे बनाया है, और जिस घर पर रहने पर उछल रही हो वो घर मेरे दादाजी का है, जिसका कानूनी आधा हिस्सा मेरी बुआ का है, समझी? माँ, इसकी माँ को बोलो कि इसे आकर ले जाए, मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है, और अगर ये इस परिवार में रहना चाहती है तो सबकी इज्जत करनी होगी, भाभी की तरह घर का पूरा ख्याल रखना होगा और सभी के साथ इज्जत से पेश आना होगा। पति के बदले तेवर देखकर रश्मि की बोलती बंद हो जाती है। वो सास से, बुआ और सभी रिश्तेदारों से माफी मांग लेती है। नंबर वन, साक्षी की शादी हुई तो घर में राज था सास का, और उसकी कठपुतली थी जिठानी सोनम। देख सोनम, इस साक्षी को भी घर के कायदे कानून सिखा देना। कैसे कायदे कानून जिठानी जी? मैं खड़ी हूँ ना यहाँ, फिर क्यों पूछ रही है जिठानी से? हैं, नीचा दिखाना चाहती है मुझे क्यों? क्यों, आपने ही तो अभी जिठानी जी से कहा कि मुझे बता देना, तो मैं उन्हीं से पूछूंगी ना। बताइए ना जिठानी जी, क्या क्या है नियम कायदे और कानून? सास को समझ में आ जाता है कि साक्षी तेज है और उसे उस पर कमान कसने की जरूरत ज्यादा है। फिर क्या था अगले रोज? अरे साक्षी कहाँ है? मेरे सर पर तेल रख जरा और दम कर मालिश कर दे। मैं कर देती हूँ ना माँ जी, वैसे भी मैं ही तो करती हूँ। अरे नाना, तेरे हाथ देखे है कितने कड़े और टाइट है, मैं तो आराम से सुकून से सर पर तेल लगवाना चाहती हूँ। सास का मकसद साफ था, जैसे अंग्रेजों ने कूट डालो और राज करो। कैसी बात कर रही है सासू माँ, मेरे हाथ कितने कोमल है देखिए तो। सोनम सीधी थी, वो सास को हाथ दिखाने लग जाती है। तभी साक्षी आती है। नहीं नहीं सोनम भाभी, आप आराम करिए, मैं खाना बना कर आई हूँ, सासू माँ के सर पर तेल में लगा देती हूँ। वैसे भी सासू माँ कोई झूठी औरत तो है नहीं जो झूठ बोलेंगी। अरे आज के बाद सासू माँ आपसे कभी तेल नहीं लगवाएंगी, लिख कर ले लीजिए। क्यों सासू माँ? सास भी शाणी बनने के चक्कर में हाँ कर देती है। अरे जरूरत ही क्या है, अरे जब ऐसी परी जैसी बहू आ गई है तो ऐसी खड़ूस के हाथ को क्यों मैं अपने सर पर हाथ रखने दूं? सोनम परेशान तो होती है, लेकिन फिर मन में सोचती है बात तो ठीक है, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं आराम करती हूँ। लेकिन कहाँ, जहाँ सास का राज हो वहाँ सोनम आराम कैसे कर लेती? सोनम, अरे सोनम, साक्षी के आ जाने के बाद से तो कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई है तो यहाँ। अभी सोनम सोच ही रही होती है कि चलो सास के पास जाकर थोड़ी देर बैठ कर आ जाते हैं, कि सास की आवाज आनी शुरू हो गई। अरे क्या मार दिया मेरे सर पर, अरे ये तो डंडे जैसा लग रहा है। कैसी बात करी है माँ जी, अभी तो मैंने कोमल कोमल हाथों का उपयोग किया है, अभी तो तेज हाथ लगाया ही नहीं है दर्द निकालने के लिए। बस फिर क्या था, साक्षी सास के सर पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर देती है और सास चिल्लाना कि तभी सोनम आ जाती है। क्यों, क्या क्या हो गया सासू माँ? साक्षी ये क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ भी नहीं भाभी, बस माँ जी के सर का दर्द हटा रही हूँ। अच्छा माँ जी, कैसा लग रहा है? सोनम दीदी से अच्छे हाथ है ना मेरे? सास क्या करती, पहले ही सोनम को इतनी घरी घोटी सुना चुकी होती है कि वो उसे कुछ नहीं कहती। अरे रहने दे बहू, रहने दे, सारा दर्द ठीक हो गया मेरा, छोड़ मुझे। सासु माँ, मैं लगा दूँ सर पर तेल? सास मन में अभी सोच ही रही होती है कि अरे नहीं 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 भाभी, आपको क्या लगता है कि सासु माँ ने जो बात कही थी वो गलत थी? अरे वो आपसे कभी तेल नहीं लगवाएंगी, समझी? खैर, सास को अब सर पर तेल लगाने का सारा शौक खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अगले रोज सास जोर जोर से सोनम पर चिल्लाने लगती है। सोनम, अरे ओ आलसी, अरे देख तो सुबह के 5 बज गए हैं, कब की जगी हूँ मैं, लेकिन मजाल है कोई चाय को भी पूछ ले। सोनम किसी तरह आंख मल कर उठती है और सास को चाय बना कर देती है। सास को वो चाय दे ही रही ही होती है कि साक्षी आ जाती है। क्या है भाभी, बुरा न मानना लेकिन मैंने सुना है कि सासू माँ कब से बैठी हैं, चाय नहीं मिली उनको। और क्या, यह कोई बात होती है?
अरे जानती है कि सास की आंख खुलते ही उसे पहले चाय देनी चाहिए, फिर कहीं जाकर वो जमीन पर पैर रखती है। लेकिन नहीं जी नहीं, ये नहीं दे सकते मुझे वक्त पर चाय। अरे नींद जो लगी रहती है महारानी को। साक्षी को सास की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन करती क्या, नहीं नहीं जो ठहरी। भाभी आप कल से सो जाओ। हाँ हाँ सो जाओ, खूब सो। कल से सासू माँ की आंख खुलते ही चाय मैं दूंगी, समझी? आप तो बस सोती रहो। सास खुश हो जाती है, उसे मौका मिल जाता है एक बार फिर दोनों बहुओं के बीच झगड़ा लगाने का। अरे जीती रहे साक्षी बहू, आज के बाद इस सोनम का चेहरा तक मुझे नहीं देखना। वैसे भी उसका चेहरा सुबह सुबह देख लो ना, सारा दिन खराब चला जाता है। सोनम को सास की बात बुरी लगती है, वो कमरे में जाकर रोने लगती है। साक्षी देख लेती है, लेकिन वो सास के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। बाद में वो सोनम के कमरे में जाती है। क्या हो गया भाभी, मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं साक्षी, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मैं सासू माँ से हैरान हूँ। मैं कितनी भी नींद में क्यों ना हो, उन्हें चाय जरूर देती थी। दीदी मैंने सिर्फ आपको इसलिए मना किया कि आप परेशान हो जाती हैं रोज सुबह जबरदस्ती। आप जानती हैं कि सासू माँ वो चाय भी नहीं पीती। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने कई बार पूछा भी, लेकिन कह दिया, हर बार मैं लेट कर देती हूँ इसलिए वो चाय नहीं पीती और सो जाती है। नहीं दीदी, वो आपको रोज परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। आप एक काम करिए, कल से आप उठना ही नहीं। अगले रोज रात के 3 बजे साक्षी सास के कमरे में चाय लेकर चली जाती है। सासुमा सासुमा। सासुमा चाय चाय ले लीजिए। सास घबरा कर उठ जाती है, वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत, चाय वाला भूत बचाओ। कमरे से माँ की आवाज आती सुन सारे जाग जाते हैं। अरे साक्षी तुम कब उठकर माँ के कमरे में आ गई? अरे कहाँ है भूत? सास कुछ कहती इससे पहले साक्षी बोलती है, सासू माँ मैं हूँ। वो क्या है ना दीदी, आपको 5 बजे चाय देती है तो आप ये बोलकर नहीं पीती कि उन्होंने देर कर दी। वो 4:30 बजे दे तो भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो 3 बजे ही चाय लेकर जाती हूँ, कम से कम आपको परेशानी तो ना हो। अब सोनम समझ जाती है कि साक्षी क्या करवा रही है। मेरी तो शक्ल ही सासू माँ को मनहूस लगती है, तो मैं तो सुबह सबके पहले उनके सामने आ ही नहीं सकती। ठीक है साक्षी, तू ही सुबह 3 बजे सासू माँ को चाय दे दिया कर। सभी कमरे में चले जाते हैं। 1-2 दिन साक्षी रात को 3 बजे सास को चाय देती है, जिसके बाद फिर एक दिन। रहने दो बहू, मैं समझ गई, तू सोनम का साथ दे रही है ना। माना मैंने बहुत परेशान किया उसे, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी है। अब सास सोनम को बुलाती है। सोनम बेटा, तेरी देवरानी तो बहनों से भी ज्यादा तेरा साथ दे रही है। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों के बीच लड़ाई लगवा कर दोनों से जी भर के काम करवाऊंगी, लेकिन ये साक्षी। वैसे सासु माँ, हर घर में होता भी यही है। दो बहुओं का लड़ना सिर्फ बहुओं का लड़ना नहीं होता, बल्कि दो भाई का अलग होना, एक घर का दो घर हो जाना होता है। अगर ये बात देवरानी जेठानी समझ ले तो हर देवरानी बन जाएगी देवरानी नंबर 1। कानी बहू। किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी की बात जगह जगह चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, और उसकी एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था, और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश। देखे किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से लगता है बहुत खूबसूरत होगी, कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओ, वैसे बात तो सही है आपकी, अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है,
इकलौती बेटी, आप भी क्या करेंगे, सबको चूसे ही देंगे ना। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा बिना देखे हाँ कर दीजिए ना, इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा, माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा के बाद ही देखूंगा। और इस तरह राघव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब राघव नैना का घूंघट उठाकर देखता है तो नैना की आंखें बंद थी। कितने खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं मुझे शर्म आती है। अरे मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आंखें खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा। इससे पहले कि नैना अपनी आंखें खोलकर राघव की तरफ देखती, अचानक से लाइट चली गई और राघव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। अगली सुबह नैना राघव के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई। अरे ये क्या, आधा पराठा सीका हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा, ये तुमने क्या किया नैना? बहू तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था जो आधा सिका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी, जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है, ये कैसा मजाक कर रही है तुम? अरे बहू तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है, और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो। देखो ये घूंघट डालकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नैना पापा जी ठीक कह रहे हैं, तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे ये क्या, पापा नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली, मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा, बिना दिखाए अपनी कानी लड़की मेरे संग ब्याह दी, मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए। मुझे अभी ओम प्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते, अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कहानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। किशोरीलाल और राघव नाराज होकर ओम प्रकाश को, पापा जी ये आपने क्या किया, शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था। अरे लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी, अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है, प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। अरे ये क्या बात हुई, मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था, तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लपलपा रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता, पापा कुछ करिए ना आप। हाँ करता हूँ करता हूँ, देखिए ओम प्रकाश जी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले लूंगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है, अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे, अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूँ तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो
तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कहानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कहानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है, लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ। आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा, तुम्हारे पापा? तुमने मुझसे इस तरह से बात की, अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भई लालच वाकई में बुरी बला है।